बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर, दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिजनेसमैन टैलेंटेड पर्सनालिटी से मिलाते रहते हैं। आज की जो हमारी पर्सनालिटी है उसका तल्लक बिज़नेस के साथ है, और आज हम आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में अवेयरनेस देंगे कि जो हर घर की ज़रूरत है। तो ये बिज़नेस जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रचना ग्रुप ऑफ गुजरांवाला, जो कि गुजरांवाला से होलसेल पर यहाँ पर एक छोटे से शहर में आकर वही मैार उन्होंने दिया है जो कि आपको गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद या मुल्तान जाना पड़ता है, लेकिन आपको अपने शहर के अंदर ही वो चीज़ें मैसर हैं। तो इन्होंने सैनिटरी हार्डवेयर, इसके साथ साथ सरामिक्स और टाइल्स का बिज़नेस है, और डिज़ाइन जो हैं वही जो आप लाहौर जाते हैं या गुजरांवाला जाते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, और वही डिज़ाइन आपको आपके शहर आरिफवाला के अंदर मैसर हैं। तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए, अपने घर की शान बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन सी शख्सियत है, इन्होंने ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया, और इनको ये आइडिया कैसे आया कि एक बड़े शहर से उठकर एक छोटे शहर के अंदर आकर ये बिज़नेस किया जाए। तो आज की बिजनेसमैन शख्सियत हमारे साथ मौजूद जी, मेरे साथ मौजूद हैं रचना ग्रुप ऑफ गुजरांवाला के ऑनर, उसके सीईओ, जो कि यहाँ पर सरामिक्स, टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर का बिज़नेस कर रहे हैं। गुजरांवाला से इनका तल्लक है, तो हम उनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है और इनको ये बिज़नेस आइडिया कहाँ से आया और ये एक बड़े शहर से छोटे शहर की तरफ क्यों आए। जी अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम अमार अहमद है जी, हम गुजरांवाला से हैं और हमारा बेसिकली ये कारोबार है छोटा सा। रचना ग्रुप ऑफ गुजरांवाला, ये नाम रखने की वजह क्या थी? यही थी वजह सर के जो गुजरांवाला में हर चीज़ मैसर है वही इधर लोगों को पता चले जी, जो गुजरांवाला में मिलता है वही इधर हमारे पास मौजूद है, इनको गुजरांवाला ना जाना पड़े हमारे, इसलिए इधर आके हमारे से ख़रीदे। होलसेल है तकरीबन हमारा सारा कुछ ये सिस्टम। अमार भाई, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ज़्यादा सेल करते हैं ये आप हमारे नाज़रीन को बताएं, ताकि उनको बड़े शहर में ना जाना पड़े और आपसे ही वो ख़रीद सकें। आप अपनी प्रोडक्ट्स का हमें जो तारफ़ कराएँ जी। हमारे पास मेन तो यही है, टाइल का ज़्यादा है, टाइल का, उसके बाद सेंट्री भी है, सरामिक्स भी है, और ये सब चीज़ें जौन सी हैं जो इधर हमारे पास बाज़ार से बाहर आए जौन सी हैं ना, गुजरांवाला से हम इधर लाए हैं इसलिए कि यहाँ तक लोगों की पहुँच जौन से ना मिले उनको सब। ये होलसेल पर है या रिटेल पर है, ये कैसे आप बिजनेस कर रहे हैं? ये होलसेल से तकरीबन, और रिटेल पे भी करते हैं जी, ज़्यादातर होलसेल का हमारा काम ये ज़्यादा। तो होलसेल में आपके पास कौन सा एरिया है, कहाँ कहाँ पर आपका जो माल जो है यहाँ से जाता है? हमारे पास ये हाल सारे नज़दीक जो उनसे शहर हैं, छोटे छोटे गांव हैं, शहर हैं, उनको सबको जा रहा है। जो उनसे छोटे दुकानदार हैं वो भी हमारे साथ आके ये माल वगैरह ख़रीदते हैं और लेके जाते हैं सर यहाँ से। अमार भाई, ये बताएं कि ये काम जो है ये कैश पर होता है, क्रेडिट पर होता है, कैसे होता है? ये ज़्यादातर तो ये कैश पे है, अगर कोई हमारे साथ अच्छा चलता है बिज़नेस में तो उसको हम क्रेडिट पर भी दे देते हैं। क्रेडिट की आपकी टर्म एंड कंडीशन क्या होती हैं? तकरीबन सादा से यह तकरीबन 7 दिन बाद या 8-10 दिन बाद जो उनसे है ना वो हमें वापस कर देते हैं। तो आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन जो है लोग ऑर्डर बुक करवाते हैं, सामान पूरी दुनिया के अंदर जाता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जाता है, क्या क्योंकि आपका काम होलसेल पर है, आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, बाहर की दुनिया भी देख रही है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने आपसे सामान होलसेल पर मंगाना हो तो आप उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे, आप उनको भेज सकते हैं? जी बिल्कुल, हम ज़रूर भेज सकते हैं, अगर हमें वो ऑर्डर करें उनको हर चीज़ हम सेंड करेंगे, वो फिर पसंद करके हमें ऑर्डर देंगे, हम इंशाल्लाह उनको ऑनलाइन जो उनसे ज़रूर भेजेंगे सर। अमार भाई, अगर मैं आपका नंबर शेयर कर दूँ उन लोगों के लिए सहूलत के लिए जो आपसे सामान ख़रीदना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम होगा कि आप उनको जो है उनका जवाब दे सकें? जी बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं करें, हम उनको पूरा हम उनको
टाइम देंगे, बात करेंगे, उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, सारा कुछ इंशाल्लाह उनको मिलेगा सर। अमार भाई ये बताएं, चलो ये तो चीज़ें आपके माशाल्लाह इस काम के बारे में होगी, तो ये काम कैसा है और आपको ये आइडिया क्यों आया? पहले आप क्या करते थे? पहले तो हम जी ज़िम्मेदार थे, बाद में आइडिया आया ये काम करना चाहिए। ये गुजरांवाले से मेन आपको पता है, हमने बताया आपको, तो हम ये चाहते कि इधर छोटे शहरों में भी आके जोन से ना सबको ये वाली चीज़ें मिले, इसलिए हमने आइडिया लगाया कि चलो उधर जो के छोटे शहर में जाकर करते हैं जो हर लोगों को मुयस्सर हो। तो आजकल जो है बच्चे तलीम लेकर एजुकेशन लेकर नौकरी की लाइन में लगे होते हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको बिज़नेस करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, क्या क्या प्रेफर करेंगे, नौकरी या बिज़नेस? जी मैं तो यही कहूँगा कि उनको चाहिए कि अपना बिज़नेस करना चाहिए, बेशक छोटे से स्टार्ट करें, करें ज़रूर अपना बिज़नेस करें। अमार ये सैनिटरी का जो काम है, जो सेल्स का है या जैसे भी है, ये इंसान कितनी की देर में सीख कर जो है अपना अगर बिज़नेस करना चाहे तो वो कर सकता है? तकरीबन इसमें थोड़ा देर या तकरीबन 4 या 5 माह लगेंगे आपको, बिल्कुल आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, इसके बारे में मालूमात हर चीज़ मिल जाएगी आपको, उसके बाद अपना आप कर सकते हैं काम। अमार अगर कोई स्टूडेंट है जिसने मसलन मैट्रिक किया है या एफ़ए किया है लेकिन उस वो काम करना चाहता है, तो ये काम कितने सरमाए से बंदा कर सकता है? जी ये तो जी बिल्कुल थोड़े से पैसों में भी शुरू हो जाता है, तकरीबन 15 से 20 लाख रुपये में भी शुरू हो सकता है ये। माशाल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह इंसान काम अपना बढ़ाता रहे। अगर कोई बंदा 15 से 20 लाख, मतलब मैं हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, 15 से 20 लाख लगाता हूँ, तो इसके अंदर मार्जिन कितना होता है? मार्जिन तो पहले तो आपको थोड़ा ही मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं, बल्कि आपका गुजारा होगा, उसके बाद आस्ता आस्ता इंशाल्लाह बढ़ेगा आपका मार्जिन भी। हाँ जी डे बाई डे बढ़ेगा इंशाल्लाह। आपको कितनी देर होगी ये काम करते हुए? हमें तो तकरीबन 1 साल हो गया जी ये काम करते हुए, माशाल्लाह अभी तक तो ठीक चल रहा है हमारा। तो मार आपने कितने सरमाए से शुरू किया था ये? हमारा भी बिल्कुल जी, हमने भी इतने से शुरू किया था। अच्छा। तो आगे इंशाल्लाह बढ़ रहा है आस्ता आस्ता। हाँ जी। अब 6 माह के बाद आप क्या फील करते हैं कि ये अब आपका बिजनेस कहाँ तक पहुँच चुका हो? इंशाल्लाह बहुत काफ़ी हद तक बहुत बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा हम आगे बहुत ज़्यादा शहरों में कर रहे हैं अपनी, तो इंशाल्लाह सबको बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। वो लोग जो ये काम करना चाहते हैं, आप उनको क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहेंगे जी, बेशक ये अपना काम करें, बिज़नेस करें अच्छे तरीके से, आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा अच्छे तरीके से। तो अमार आपकी कामयाबी का राज क्या है? बस जी माँ बाप की दुआएँ हैं, बहन भाइयों का प्यार है, सब मिलजुल के चल रहे जीता है। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ अमार साहब, जिन्होंने गुजरांवाला से आकर एक छोटे से शहर आरिफवाला का इंतखाब किया और यहाँ पर सैनिटरी टाइल्स सरामिक्स का बिज़नेस स्टार्ट किया होलसेल पर। इन्होंने भी थोड़े सरमाए से स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देख सकते हैं कि इनका बिज़नेस कहाँ तक होगा। अगर आप भी चाहते हैं, पढ़ लिख कर नौकरियों की तलाश में मारे मारे फिरने से बेहतर है कि इन जैसी शख्सियत के पास आकर चंद दिन लगाकर सीखकर अपना कोई छोटे पैमाने से बिज़नेस स्टार्ट कर लें तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो अगर कोई हमारा दोस्त जो हमें देख रहा है तो इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो मैं अमार साहब का व्हाट्सएप नंबर कॉल नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप इनके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, होलसेल पे अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो इनसे कॉन्टैक्ट करके ख़रीद सकते हैं। ये बहुत प्यारे भाई हैं, मशवरा भी देंगे और आपको अच्छा माल भी देंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि किस तरह आपने काम करना है। तो उम्मीद है कि आज का हमारा ये बिज़नेस, आज की हमारी ये शख्सियत अमार साहब जो एक मोटिवेशनल शख्सियत हैं, इन्होंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने रंग लगा दिए, तो आप भी अमार बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का हमारा बिज़नेस आपको पसंद आया होगा, तो खुश रहें और खुशियां बांटें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।